जम्मू कश्मीर की सरकार ने नई कोविड गाइडलाइंस निकाल दी हैं और इस ऑर्डर में ये बताया गया है कि जो रिसेंटली कैटेगराइज्ड रेड डिस्ट्रिक्ट, ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट और ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है, इन डिस्ट्रिक्ट्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ अलाउ की जाएंगी और क्या क्या एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं की जाएंगी। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा ये ऑर्डर जो निकाला गया है, इसमें पहली बात तो ये कही गई है, पहली चीज़ जो इस ऑर्डर में मेंशन की गई है वो ये कि सभी एक्टिविटीज़ को परमिट किया जाएगा या रेगुलेट किया जाएगा, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें बिल्कुल ही प्रोहिबिट किया गया है और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें रेगुलेट किया गया है। सबसे पहली एक्टिविटी जिसे रिस्ट्रिक्ट किया गया है वो है यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो जम्मू कश्मीर में इन पर्सन एजुकेशन के लिए 15 जून 2021 तक बंद रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम जो कोर्सेज है जिनके लिए फिजिकल प्रेजेंस स्टूडेंट की होना या फिर टीचर की होना ज़रूरी है, जिसमें लेबॉरट्री है, रिसर्च वर्क है, थीसिस वर्क है, जितने भी स्कूल्स और कोचिंग सेंटर्स जम्मू कश्मीर में हैं वो भी बंद रहेंगे ऑन कैंपस इन पर्सन एजुकेशन के लिए 15 जून 2021 तक। जो स्कूल्स, कॉलेजेस और टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन पर्सन अटेंडेंस की भी किसी भी स्टाफ मेंबर की नहीं डिज़ायर करेंगे। सभी जो टीचिंग स्टाफ है वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ को भी ये कहा गया है कि आप इन पर्सन अटेंडेंस केवल मिनिमल स्टाफ की रिक्वायर करें जो कि रिसर्च लैब या थीसिस वर्क के लिए ज़रूरी है। अब वो कोविड की गाइडलाइंस जो कल 31 तारीख 2021 के बाद से जो है इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी, पहली बात ये कही गई है टीचर्स को लेकर ही कि अगर डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा। कुछ इंस्टीट्यूशंस को अगर इजाज़त दी जाती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खुलने की तो उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पूरा पालन करना है। सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, क्लब्स, जिम्स, स्पा, मसाज सेंटर्स और पेट पार्क्स बंद रहेंगे जम्मू कश्मीर में। बार्बर शॉप, सलॉन्स, पार्लर्स का जहां तक ताल्लुक है हफ्ते में 3 दिन खुलने की इजाज़त दी गई है, सैटरडे और संडे के अलावा। जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं यानी कि जो मोहल्लों में, गलियों में अकेली अकेली दुकान है, उसे रोटेशन बेसिस पर खोला जाएगा वीकडेज के दिन। सैटरडे संडे को ये दुकानें भी नहीं खुलेंगी और इसमें रोस्टर बनाया जाएगा डिप्टी कमिश्नर द्वारा। आउटडोर बाज़ार और आउटडोर शॉपिंग कम्प्लेक्सेस जो हैं उन्हें भी खुलने की इजाज़त दे दी गई है ऑल्टरनेट डे बेसिस पर रोटेशन सिस्टम के तहत, और इसमें भी सैटरडे संडे को इन्हें खुलने की इजाज़त नहीं है, रोस्टर डिप्टी कमिश्नर डिसाइड करेंगे। इंडोर शॉपिंग मॉल्स में केवल 25% दुकानों को खुलने की इजाज़त दी जाएगी पर डे, और इसका भी रोस्टर जो है वो डिप्टी कमिश्नर डिसाइड करेंगे। रेस्टोरेंट सभी दिन खुल सकते हैं सैटरडे संडे के अलावा, लेकिन केवल होम डिलीवरी और रूम सर्विस के लिए। कस्टमर की एंट्री टेक अवे के लिए भी परमिट जो है नहीं की जाएगी। उसके साथ साथ बार्स को भी इजाज़त खुलने की नहीं दी गई है। कैंटीन्स और ईटरीज जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर हैं उन्हें खुलने की इजाज़त दे दी गई है। स्पोर्ट्स पर्सन्स को आउटडोर स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में जाने की और ट्रेनिंग करने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम्स और स्विमिंग पूल जो हैं वो बंद रहेंगे। लिकर शॉप्स को भी हफ्ते में 3 दिन खुलने की इजाज़त दे दी गई है सैटरडे संडे के अलावा, रोस्टर डिप्टी कमिश्नर इशू करेंगे। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो केवल 50% कैपेसिटी पर ही जम्मू कश्मीर में फंक्शन कर सकता है। जो DSPs हैं वो इंश्योर करेंगे कि जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है 50% कैपेसिटी पर ही चले। सीलिंग जो है वो गैदरिंग पर वो 20 की कर दी गई है फ्यूनरल्स के लिए और 25 कर दी गई है बाकी सभी गैदरिंग्स के लिए। जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस है जम्मू कश्मीर में इनकमिंग पैसेंजर्स के लिए वो जैसे थे अभी भी वैसे ही हैं। रिलीजियस प्लेसेस जो हैं वो खुली रहेंगी पब्लिक के लिए, लेकिन SOPs को फॉलो करना ज़रूरी होगा। जो लोग 65 साल से ऊपर की एज के हैं, कोमोबिडिटीज़ जिनको है, या जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, या जो बच्चे 10 साल से नीचे हैं, उन्हें कहा गया है एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने के लिए। साथ ही में कंप्लीट COVID-19 का कर्फ्यू जो है वो नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया जाएगा पूरे जम्मू कश्मीर की 20 डिस्ट्रिक्ट्स में, शाम को 8 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक। वीकेंड कर्फ्यू भी शाम के 8 बजे फ्राइडे से 7 बजे सुबह मंडे तक जो है कंप्लीट कोविड कर्फ्यू रहेगा, जिसमें केवल एसेंशियल सर्विसेज को इजाज़त दी जाएगी। और उस एसेंशियल सर्विसेज में भी आप देख सकते हैं कि कुछ ही सर्विसेज को इजाज़त दी गई है, चाहे वो सब्जी मंडी हो, शॉपिंग कम्प्लेक्सेज जो हैं वो बंद रहेंगे, रिलीजियस और सोशल गैदरिंग अलाउ की गई है लेकिन सीलिंग के साथ, और एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उन्हें ही इजाज़त दी गई है कि वो फंक्शन कर सकते हैं लॉकडाउन के दौरान। वैक्सीनेशन ड्राइव भी जो है वो एज़ यूजुअल कंटिन्यू करेगी। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं वो सेक्शन 144 का ऑर्डर देंगे ताकि लोग जो है इकट्ठा, भीड़ इकट्ठा ना करें। साथ ही में जो एक्टिविटीज़ ऑलरेडी कंटिन्यू कर रही थी जम्मू कश्मीर में, यानी कि जो प्रोसेस था कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करने का या जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रेड जोन कंटेनमेंट जोन का है, उन्हें भी जो है बता दिया गया है कि वो एज़ यूजुअल ही रहेगा।
लॉकडाउन जो है वो कंटेनमेंट जोन में रहेगा। उसके अलावा कोई भी रिस्ट्रिक्शंस जो है पैसेंजर्स, रिटर्नीज या ट्रैवलर्स के ऊपर नहीं लगाई जाएगी, चाहे वो बाय रोड आएँ, चाहे वो बाय रेल आएँ, चाहे वो बाय एयर आएँ, लेकिन उन्हें कोविड 19 की कंपल्सरी टेस्टिंग से होकर गुजरना ही पड़ेगा। साथ ही में स्पेशल फोकस जो है अब रूरल एरियाज़ के ऊपर भी दिया जाएगा जहाँ पर पॉजिटिविटी रेट हाई है। उसके अलावा अब तक पहुँचाएँ कि कंटेनमेंट जोन का प्रोटोकॉल भी जो सेटअप किया गया है कि वहाँ से किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है, टेस्टिंग जो है वो वहाँ पर होगी, एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी, यही वो गाइडलाइंस हैं जो पहले भी कंटेनमेंट जोन्स को लेकर नोटिफाई की गई हैं। वैक्सीनेशन जो है वो ये कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में भी वैक्सीनेशन जो है वो की जाएगी। एक्टिविटीज़ जहाँ तक परमिट करने की बात है, ये कहा गया है कि नॉर्मल फंक्शनिंग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, क्लिनिक्स की और नर्सिंग होम्स की इंक्लूडिंग ओपीडी सर्विसेज चलती रहेगी। ई कॉमर्स और कुरियर सर्विसेज को किसी भी तरीके से हैम्पर नहीं किया गया है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और रिलेटेड एक्टिविटीज़ को भी अलाउ किया गया है। कैंटीन, ईटरीज जो बस स्टैंड्स पर है, रेलवे स्टेशंस पर हैं, एयरपोर्ट्स पर हैं, रेड डिस्ट्रिक्ट्स में उन्हें परमिशन की ज़रूरत है, बाकी जगहों पर वो जो है फंक्शन कर सकते हैं। और ये अब वो गाइडलाइंस हैं जो बताई गई हैं कि होटल्स और हॉस्पिटलिटी सर्विसेज भी किस तरीके से फंक्शन कर सकती है। शॉपिंग मॉल जो हैं वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही फंक्शन कर सकते हैं, रेड डिस्ट्रिक्ट्स में शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। और इसमें बता दिया गया है कि फूड कोर्ट्स और डाइनिंग फैसिलिटीज़ जो हैं मॉल में वो केवल होम डिलीवरी कर सकती हैं। जिमनेजियम्स और योगा सेंटर्स कहीं पर भी खुलने की इजाज़त नहीं दी गई हैं, और उसमें स्विमिंग पूल्स और इंडोर्स कॉम्प्लेक्सेस भी बंद रहेंगे। अब किन किन चीज़ों को अलाउ किया गया है, बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं उन्हें रेगुलेट किया जाएगा, उन्हें खुलने की इजाज़त दी गई है। लिकर शॉप्स को रेगुलेट किया जाएगा, बारबर शॉप्स को केवल 3 दिन के लिए खुलने की इजाज़त दी गई है। सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, प्लम्बर्स, टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रिशियंस, वो फंक्शन कर सकते हैं। ऑटो रिक्शा जो है वो रेड डिस्ट्रिक्ट में ऑड इवन नंबर बेसिस पर चल सकते हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में फंक्शन कर सकते हैं। टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स 50% कैपेसिटी पर मूवमेंट कर सकते हैं। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट जो है वो 50% कैपेसिटी पर मूवमेंट कर सकता है। इंटर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक पैसेंजर भी जो है वो रेड डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में 50% कैपेसिटी पर मूवमेंट कर सकता है। और मैरिज रिलेटेड फंक्शन जो है परमिशन के साथ अलाउ किए जाएंगे रेड डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो है अलाउ किए गए हैं, लेकिन वहाँ पर बताया गया है कि उनको नोटिफाई करना होता है तहसीलदार को 24 घंटों के पहले पहले। उसके साथ साथ प्राइवेट ऑफिसर्स को लेकर ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट में किसी पास की ज़रूरत नहीं है, उन्हें जो है 100% स्ट्रेंथ पर फंक्शन करने की इजाज़त दी गई है। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट जो है इंडिविजुअल्स की, उसकी भी इजाज़त दे दी गई है। और ग्रीन और ऑरेंज जोन के बीच में इंटर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कोई भी डिस्ट्रिक्ट ग्रीन डिस्ट्रिक्ट नोटिफाई नहीं की गई है। जहाँ तक रेड डिस्ट्रिक्ट्स में रिस्ट्रिक्शंस का ताल्लुक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिमिट्स में जो दुकानें हैं वो 9 से 7 बजे तक बंद रहेंगी। 33% शॉप्स जो हैं वो मार्केट एरियाज़ में खुलेंगी रोटेशन बेसिस के ऊपर। पार्किंग जो है वो रोड्स पर इजाज़त नहीं दी गई है। और बार्बर शॉप्स जो हैं हफ्ते में 3 दिन खुलेंगी। सैलून्स और पार्लर्स बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स भी जो हैं यहाँ पर बंद रहेंगे। और प्राइवेट ऑफिसेज जो हैं वो 100% अटेंडेंस पे काम तो कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंस ऑफ स्टाफ जो है उनको 50% तक करना होगा, ये कहा गया है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी रेड डिस्ट्रिक्ट में अलाउ नहीं है। और 50% ही टैक्स कैपेसिटी पर टैक्सीज, मैक्सी कैब्स और कैब एग्रीगेटर्स चल सकते हैं।